हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 15 सेकेंड तक, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, अगर इस तरीके से ऑन नहीं होगा तो फिर क्या करना है, फ़ोन का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 15 सेकेंड तक, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। तो गाइस, अगर इस तरीके से भी चालू नहीं होगा तो फिर क्या करना है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 15 सेकेंड तक दबा कर रखना है, जिससे मोबाइल अपने आप ही रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगी और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। इन तरीकों से आपका कुछ डिलीट भी नहीं होगा, जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला पाएंगे। आप चेक कर लेना आपका फ़ोन चार्ज है कि नहीं है, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो चार्ज कर लेना, फिर अपने फ़ोन को सही से चला सकते हैं। गाइस, इतना करने के बाद अपने फ़ोन को समय समय पर रीस्टार्ट कर लेना। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो इस तरह आपका फ़ोन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।